जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 370 के मामले में, उस दिन से हम इन इलेक्शन की तैयारी में लगे रहे। बीच में लोकसभा के इलेक्शन आए, वो भी हमने निपटा लिए। अब असेंबली के इलेक्शन होने हैं। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के 4 रोज़ा जो है दौरे पे यहाँ आएंगे। हमारी उनसे सिर्फ यही गुजारिश होगी कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी की जाए और यहाँ इलेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू की जाए। और हम ये भी उनसे उम्मीद करेंगे कि हर पार्टी के साथ बराबर का सलूक किया जाए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड पे हम इलेक्शन जो है लड़ने का काम करें। नया जम्मू कश्मीर का जिक्र सिर्फ हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में होता है। जम्मू कश्मीर के यहाँ अगर आप ज़मीनी सतह पर देखें तो नया जम्मू कश्मीर आपको कहीं दिखता नहीं है। अगर दिखेगा उसमें कोई बेहतरी नहीं है, अगर कुछ हुआ है तो हमारी तबाही हुई है। अगर आप सिक्योरिटी के लिहाज से देखें, चाहे वो पीर पंचाल हो, चाहे चिनाब हो, चाहे जम्मू हो, कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां पे आज मिलिटेंसी का असर रसूख देखने को नहीं मिलता। महंगाई की बात अगर हम करें वो आपके सामने है, बिजली का निज़ाम बिगड़ा हुआ है, बेरोज़गारी जो है इस मुल्क में सबसे ज़्यादा अगर बेरोज़गारी है तो जम्मू कश्मीर में है। हमसे बहुत सारे वादे किए गए थे 5 साल पहले, लेकिन उनमें से एक भी वादा जो है वो पूरा नहीं हुआ।